हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग कि तुम्हारी क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली हैं। जैसे कि जो भी फर्स्ट राउंड के कैंडिडेट्स थे उनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, उनका सब कुछ यहाँ पर हो चुका है। तो अभी जो है उन्हें पर्टिकुलर कॉलेज में रिपोर्ट करना है एंड रिपोर्ट करने के बाद जो है उनका सब कुछ यहाँ पर फर्स्ट ईयर का स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में वही बात करने वाले कि कब से क्लासेस स्टार्ट होंगी एंड कब से जो है पढ़ाई स्टार्ट होने वाली। तो सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक उन सभी कैंडिडेट्स को जो अभी जो है अपना सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, अपना फोर ईयर प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं या फिर किसी भी पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लिया है, चाहे बीएससी नर्सिंग में। तो अपना अच्छे से स्टार्ट करना, तो सभी को मेरी साइड से बेस्ट ऑफ लक। तो हम बात कर लेते हैं, तुम अच्छा परफॉर्म करना कंप्लीट ईयर के ड्यूरेशन में एंड अच्छे से पढ़ाई करना। तो बात कर लेते कि कब से तुम्हारी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी या फिर मैं बोलूँ कि कब से तुम्हारी क्लासेस जो है स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो वैसे तो जब यहाँ पर फर्स्ट राउंड के कैंडिडेट्स चले जाते हैं तो किसी का यहाँ पर वेट नहीं किया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं रहता है कि सेकंड राउंड के स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए जो है वेट करना पड़ेगा एंड थर्ड राउंड के जो भी स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए वेट करना पड़ेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। हर की सेपरेटली यहाँ पर क्लासेज जो है स्टार्ट हो जाएंगे। लाइक अभी जो फर्स्ट राउंड के कैंडिडेट जो चले जाएंगे सिर्फ उनकी क्लासेज स्टार्ट कर देंगे, देन जो है जो सेकेंड राउंड के आएंगे वो उनको ज्वाइन कर लेते हैं उस पर्टिकुलर सिलेबस के साथ, ठीक है। और ये रहता है तो अभी जो है फर्स्ट राउंड के कैंडिडेट्स जो होंगे उनकी जो क्लासेस रहती हैं वो सबसे पहले स्टार्ट की जाती हैं। तो जैसे कि अभी तुम 12 को जा रहे हो तो अभी जल्दी ही लाइक 3-4 डेज में जो है क्लासेस जो है स्टार्ट होने के पूरे पूरे चांसेस होंगे। किसी किसी कॉलेज में हो जाएंगी, किसी किसी में नहीं होंगी, बट अप टू 10 डेज 10 दिन के अंदर अंदर जो है सभी कॉलेज में 101% जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। क्लासेस मतलब कि भी बोलूँ तो रेगुलर क्लासेस, अच्छे से पढ़ाई जो है स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता नर्सिंग कॉलेज में जो है अच्छे से ही किया जाता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कि सेकेंड राउंड के लिए वेट किया जाएगा। तुम्हारा सिलेबस एक स्टार्ट करवा दिया जाए तो उसे दोबारा कोई भी नहीं करवाएगा, कोई रिपीट यहाँ पर नहीं करवाता है, एंड लास्ट टाइम में तुम्हें प्रॉब्लम होगी। तो मैं तो यही बोलूँगी कि जितना जल्दी तुम ज्वाइन कर सकते हो तुम कर लेना, बाकी 3-4 दिन रुक जाना। फर्स्ट 2-3 डेज को तुम रुक सकते हो, वेट कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज उस टाइम पर जो है काफ़ी कम बच्चे रहते हैं क्लास में। एंड लाइक अगर टीचर्स को तुम्हारा एक बार पता चल गया नेम वगैरह तो फिर तो तुम जानते हो कंप्लीट ईयर क्या यहाँ पर रहने वाला है। तो मैं तुम्हें बोलूँगी कि अवॉइड करना फर्स्ट 2-3 दिन को, ताकि टीचर्स की नज़रों में तुम ज़्यादा ना आओ, ठीक है, ज़्यादा तुम पहचान में ना आओ, बिकॉज आगे जाके वरना तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। बंक वगैरह से रिलेटेड भी तुम बंक नहीं कर पाओगे, सभी टीचर्स अगर तुम्हें जानने लग जाएंगे तो तुम पॉइंटेड रहोगे हर बात से जुड़े हुए, हर बात जो भी बात होगी तुम्हें पॉइंट आउट कर दिया जाएगा। तो मैं तो यही बोलूंगी ऐसी बिल्कुल भी कोई हरकत मत करना जिससे कि तुम पॉइंटेड रहो हमेशा के लिए। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, तो 2-3 दिन को तुम जो है रहने भी दे सकते हो एंड बाद में स्टार्ट कर सकते हो, बट अप टू 10 दिन अप टू 10 डेज के अंदर अंदर जो है हर कॉलेज में, चाहे कोई भी प्राइवेट कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज है, सभी कॉलेजेस में जो है नेक्स्ट सेशन की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो ये सभी बातें थी, ये इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमने डिस्कस कर लिया। कमेंट वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, लगातार ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलेंगे एक नेक्स्ट न्यू वीडियो नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तो कमेंट सेक्शन में बताओ न्यू वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में।